तो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिडोज यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एजुकेशनल वीडियोस के अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बेसिकली लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के सम्स को सोल्व करने की ईजी ट्रिक जानने के लिए आए हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी वैदिक मैथ की ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और वो चाहे कोई भी लीनियर इक्वेशन हो। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कोई भी रैंडमली टू लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना है। तो हमने फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, हम कोई भी अपने आप रैंडम नहीं ले सकते, जैसे हमने ले ली 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, और यहाँ पे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो फ्रेंड्स, हमने ये लीनियर इक्वेशन हमने ले ली है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो a1, मान लीजिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, तो जो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट वर्ड है उसे एज इट इज़ लिखना है। वैसे ही उसके नीचे बिल्कुल, मतलब हमने इनमें से वेरिएबल्स हटाने हैं। जैसे यहाँ पे हमने 8 और 3 लिख दिया, ऐसे यहाँ पे 5 बाई 2 लिखेंगे, यहाँ पे 9 बाई 4 9 बाई 4, मतलब हमने सारे साइंस हटा दिए, सारे वेरिएबल्स हटा दिए, हमें सिर्फ उनके जो आगे नंबर है जो उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उनसे मतलब है। तो अब हमने जैसे ये कर दिया 8 5 9, हमने इनको ऐसे रख दिया। तो अब इस ट्रिक में सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हम सबसे पहले इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जैसे हम देखते हैं 8 × 2 इज इक्वल टू 16, हम यहाँ से करेंगे 8 × 2 इज इक्वल टू 16। अब 3 × 5, हमें पता है 3 × 5 की वैल्यू जो होती है वो 15 होती है, तो हम यहाँ पे 3 × 5 15 करेंगे। अब जो आया है, जैसे ये जब हम इधर साइड जाते हैं तो हमने इसको पॉजिटिव में लिया है, जब हम ऊपर साइड जाएंगे तो हम इसे नेगेटिव में ले लेंगे, और नेगेटिव में लेने के बाद हमारा रिजल्ट आएगा 1। यहाँ पे 16 − 15 इज इक्वल टू 1, ये हमारा रिजल्ट आ चुका है जब हमने इसको सॉल्व किया। पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको लिखा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, जिसका साइन चेंज कर दिया। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो हम उसे पॉजिटिव कर देते, अब यहाँ पे पॉजिटिव था तो हमने इसको नेगेटिव कर दिया और आ गया हमारे पास 1। तो फ्रेंड्स, हमारा ये 1 आया है, इसको हम आगे यूज करेंगे और इसे हम नेम दे देते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर फ्रेंड्स, ये कोई भी एक्स की वैल्यू हो, कोई भी वाई की वैल्यू जो हम पे आएगी आंसर में, उसका डिनोमिनेटर कन्फर्म है 1 ही होगा। अगर कोई और आता है तो उसका डिनोमिनेटर वही होता है, हमारे इस केस में डिनोमिनेटर 1 आ रहा है। तो अब आगे हमने क्या करना है, ये तो हमने निकाल लिया डिनोमिनेटर, अब आगे निकालने के लिए हम इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम 5 × 4 करेंगे, 5 × 4 होता है 20। अब 2 × 9 करेंगे 18, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था जब नीचे साइड जाते हैं तो पॉजिटिव का, अब यहाँ पे हम करेंगे नेगेटिव, यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है 18 तो हम यहाँ पे नेगेटिव कर देंगे, इज इक्वल टू आ गया 2। तो फ्रेंड्स, जब इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आएगा, इस ग्रुप को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो हम पे आएगा वो होगा न्यूमिरेटर। न्यूमिरेटर, ये न्यूमिरेटर होगा एक्स का, न्यूमिरेटर ऑफ एक्स, दिस इज द न्यूमिरेटर ऑफ एक्स, जो इस क्वेश्चन में एक्स है उसका ये होगा न्यूमिरेटर। तो हम अब एक्स की वैल्यू को कंप्लीटली लिख सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू 2/1। पर फ्रेंड्स, अभी हमें एग्जैक्टली x की वैल्यू नहीं मिली है, हमें अभी 2/1 मिली है। इस मेथड में जो भी आपकी x की वैल्यू आई, अगर ये नेगेटिव में है तो हम इसे पॉजिटिव बना देते हैं, मीन साइन चेंज कर देते हैं उसका। अब ये पॉजिटिव में है तो हम इसे नेगेटिव बना देंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है ये, और अब हमें निकालनी है y की वैल्यू। अब y की वैल्यू के लिए जैसे हमने इन नंबर्स को ऐसे लिखा था, हमने दो बार इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया है, अब हम इस नंबर को कुछ इस तरह लिखेंगे कि 8/3 एज इट इज़। अब इसमें से जो मिडल में होगा 5/2, इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, इसको हम नी कंसिडरेशन में लेंगे, तो बचता है 9/4।
मीन्स हमने बीच वाली लेयर को हटा दिया। अब हम इस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 into 4 होता है 32, और ऐसे ही 3 into 9 होता है 27। तो यहाँ पे पॉजिटिव का आ रहा था 3 into 9, तो हमने इसका साइन चेंज करते हुए इसका नेगेटिव का बना दिया है, और इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास आंसर आता है 5। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास आ चुका है 5। अब ये जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा, जो हमने बीच वाले नंबर को एक्सक्लूड किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आया है वो होएगा न्यूमिरेटर। ऑब्वियसली फ्रेंड्स अब हमें सॉल्व करना सिर्फ वाई रह गया, तो ये न्यूमिरेटर ऑफ वाई ही होगा। तो इसमें हम न्यूमिरेटर और वाई इज इक्वल टू 5 आ गया। हमने एक्स की केस में साइन चेंज किया था, पर फ्रेंड्स इस केस में कोई साइन नहीं चेंज होएगा, तो वाई की वैल्यू 5 ही रहेगी। अब हमारा सॉल्यूशन आ गया है, आंसर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू -2, वाई इज इक्वल टू 5। फ्रेंड्स जैसे आप देख सकते हैं कि ये आपको बहुत ट्रिकी या बहुत लंबा मेथड लग रहा होगा, पर जब आप इस मेथड में परफेक्ट हो जाएंगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए पूरा एक्सप्लेन करके करा है, इतना तो हम माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ऐसे बीच वाली लेयर को हटाना है, तब इसको इसके साथ, तो हम ये सब माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और माइंड टू माइंड में हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी, जो हमें आगे सॉल्यूशन निकालने में मदद करेगी। तो फ्रेंड्स अब यहाँ ये आप कोई भी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम एक बार इसमें एक्स की वैल्यू वेरीफाई कर लेते हैं, वैसे हमारी वैल्यू सही आएगी, पर मैं आपके लिए एक वेरीफिकेशन ज़रूर करूँगा ताकि आपको पता लगे कि ये वैल्यू सही है या नहीं। तो चलिए वेरीफिकेशन शुरू करते हैं। तो हमारी इक्वेशन है एक्स वाई प्लस 5 वाई 3x + 2y = 9/4। तो हम अब इस इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए एक्स में यहाँ पे 2 एक्स की वैल्यू रख देते हैं, जो कि हमारी आई है -2। तो अब हम -2 एक्स की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, -2 प्लस 5 इंटू हमारी 5 की वैल्यू आई है यहाँ पे 5। तो हम यहाँ पे y की वैल्यू 5 पुट करी इज इक्वल टू 9। 25 - 16 + 9, यस फ्रेंड्स हमारा ये वेरीफाई हो गया है। ऐसे ही हम इस इक्वेशन में भी अगर इसे पुट करेंगे तो ये भी वेरीफाई हो जाएगा। तो ये तो थी ये ट्रिक जिससे आप कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं होती, तो फ्रेंड्स मैंने उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई है ताकि आप किसी भी लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें और आप आसानी से उसका सॉल्यूशन निकाल सकें। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब करिए एडोडोज और कीप सपोर्टिंग।